हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप पुशर का यहाँ पे अटैक्स वहाँ पे कैसे चलते हैं, 6000 ट्रॉफी पे अभी कैसे अटैक्स चलते हैं, तो उसके बारे में बताऊंगा। तो इनकेस अगर पुश करना हो आप लोगों को तो हेल्प हो। एंड खैर, मैं नेक्स्ट सीजन पुश करने वाला हूँ। जो मेरा पूरा क्लेन है वो पूरा क्लेन पुश करने वाला है। तो यहाँ पे अगर आपको आप नेक्स्ट सीजन पुशिंग पे हो तो आप मेरा क्लेन में आ सकते हो, ज्वाइन हो सकते हो, जो पटेल पावर होम क्लेन है वो। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो यहाँ पे जो टॉप प्लेयर है हमारे इंडिया का, ओके, उसके बारे में। तो यहाँ पे हम लोग अटैक देखेंगे कि भी कैसे 6000 ट्रॉफीज पे चलती है पुशिंग, ओके। सो बिना टाइम गवाए हम लोग ये आज का वीडियो शुरू कर देते हैं। सो सबसे पहला यहाँ पे ये बेस है। तो यहाँ पे जब भी टीएच बाहर रखा हो तब एक दो हॉक छोड़ के चेक कर लेना ये चीज़ें, ओके। लाइक टीएच यहाँ पे रखा हुआ है, इंक बाहर कोई भी साइड हो, उस तरफ हो, लेफ्ट साइड हो, ईस्ट, अभी तो यहाँ पे रखा है, वेस्ट साइड हो या फिर नॉर्थ साइड रखा हो टीएच को, तो एक बार क्या करना है, सीधा क्वीन वॉक आपको शुरू नहीं करवाना, ओके ना। आपको पहले एक हॉक रख के चेक करना है, कोई स्केलेटन वगैरह तो है नहीं, कोई ट्रैप वगैरह है नहीं, एक दो हॉक रख के चेक कर लेना है। सो क्या अगर क्वीन वॉक आप शुरू करो तो इतनी दिक्कत ना आए आप लोगों को, क्योंकि वो स्केलेटन ट्रैप होते हैं, वो क्वीन वॉक में दिक्कत दिलाते हैं। अगर दो बाहर निकल के स्केलेटन ट्रैप तो सीन हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे इसने क्वीन वॉक शुरू किया, अभी यहाँ पे इसने क्वीन वॉक शुरू कर दिया, पीछे उसने एक दो लूंस रख दिया कि भाई अगर इनकेस एयर माइन हो तो वो निकल जाए। यहाँ पे उसने दो एक विजार और एक बेबी ड्रैगन रखे फनल करने के लिए, एक हॉग उसने छोड़ दिया सीसी के ट्रू बाहर निकालने के लिए, प्लस ट्रैप्स देखने के लिए, कोई और ट्रैप्स तो नहीं है। और यहाँ पे इसने पॉइजन स्पेल डाल लिया और हेड हंटर आ चुके हैं जो कि मार रहे हैं क्वीन को, बट कुछ होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे पीछे इसने विजार रख दी है और ये विजार ले लेगा दोनों को, ओके, मर गए दोनों, ले उससे पहले। तो यहाँ पे देखो ये अभी क्वीन मार रही है उसको, लावा को। यहाँ पे एक और वापिस से लूंस को छोड़ दिया है, यहाँ पे लूंस पीछे धीरे धीरे से छोड़ रहे हैं। और ये देखो अब यहाँ पे एक सुपर वॉल ब्रेकर उसने छोड़ दिया, क्यों, कि भाई वॉल क्लियर हो इसीलिए। तो सुपर वॉल ब्रेकर का यही एक बेनिफिट है कि भाई मरे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो वॉल्स तो तोड़ेंगे ही। और यहाँ पे ये डाउन हो रही है इसका टाउन, और देखो लास्ट में उसने जो टाउन डाउन करने के लिए उसने कितना मस्त यूज़ किया, लाइक उसने एक लूंस छोड़ दिया, तो एक लूंस ने एक बॉम्ब ड्रॉप किया और मर गए। और इतना यहाँ पे फनल हुआ, और इस तरफ से देख लीजिए यहाँ पे उसने सीज बराक्स रखा है और इस तरफ से इसने हॉक्स रख दिए, बाकी के माइनर्स भी ड्रॉप कर दिए, बहुत ही ईजी पीजी। तो हॉक्स तो आगे जाके डिफेंस को मारेंगे और माइनर्स पीछे से मारेंगे बाकी की चीज़ों को। लेफ्ट साइड इस तरफ फनल चल रहा है सीज बराक्स के ट्रूप से और किंग से। और यहाँ पे ये देख लीजिए यहाँ पे जो ये है इस मिड में ये लोग चले गए, राइट साइड पे तो क्वीन वहाँ पर फनल कर ही रही है। यहाँ पे अभी भी उसने आरसी रखा नहीं है, ओके। तो यहाँ पे उसने हॉक छोड़ दिए सीसी में से जो आए वो सीज बराक्स के। उसके बाद यहाँ पे क्वीन इस तरफ फनल तो कर ही रही है, इस तरफ यहाँ पे देख लीजिए आप लोग उसका किंग जो है मार रहा है उसको, बट यहाँ पे आरसी है जो आरसी, और वो यहाँ पे ख़त्म कर लेगा। आरसी की एबिलिटी अब यूज़ होगी, देखते हैं भी क्या होता है आरसी की एबिलिटी यूज़ होने पे, ओके, अब यूज़ होगी आई थिंक आरसी की एबिलिटी अब हो जाएगी यूज़, ओके, यस, ओके। सो यहाँ पे चार डिफेंस डाउन कर दिया आरसी ने, और इजी पीजी यहाँ पे एकदम 3-स्टार अटैक है, ओके। यहाँ पे बस आप लोगों को हॉग और माइनर मैक्स रखने हैं आप लोगों के, ओके, जो कि मैं ये अटैक नहीं कर सकता, मेरे को बहुत करना है, ओके, हॉग अटैक बहुत करना है, बहुत, बट मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। और उसका रीज़न ये है कि भाई ये जो हाइब्रिड अटैक है मैं इसीलिए नहीं कर पाऊँ क्योंकि साली मेरी मेन आईडी में ना हॉग थोड़े लो लेवल के, एक दो लेवल मेरे को एटलीस्ट लो पड़ रहे हैं, दो। सो वो दो जब तक बढ़ाऊंगा नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। उसके बाद यहाँ पे दूसरा अटैक देखो, सेम इसमें भी टाउन हॉल बाहर की साइड रखा है, इससे पहले में यहाँ पे नीचे साउथ की तरफ रखा था, ओके, साउथ ईस्ट की तरफ रखा था, यहाँ पे इसने वेस्ट की तरफ रखा है। तो कहने का मतलब है कि भाई यहाँ पे भी सेम वही है, टीएच बाहर है, तो यहाँ पे कैसे करना है, सेम वही अटैक स्ट्रेटजी है। तो यहाँ पे क्वीन वॉक तो देखो इम्पोर्टेंट है ही, अब एक यहाँ पे उसने लून छोड़ दिया है, ओके, लेफ्ट साइड पे उसने जो बेबी ड्रैगन रखा है फनल करने के लिए वो, यहाँ पे इसने एक छोड़ दिया है वॉल ब्रेकर सुपर वॉल ब्रेकर, और दो लूंस उसके पीछे छोड़ दिए, दो लूंस इसीलिए कि भाई आगे जाके एयरमाइंस को ले ले, लो लो भाई, ओहो हो, देखा आपने, दो एयरमाइंस आई ना, तो यहाँ पे फायदा ही यही होता है भाई लूंस छोड़ने का। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। अब देखो अब यहाँ पे क्वीन अंदर जा रही है, थोड़ा सा राइट साइड का पोर्शन क्लियर हो गया, इस तरफ इसने बेबी ड्रैगन जो रखा है वो अभी भी काम कर रहा है, ओके, अभी भी दबा के पेल रहा है, राइट। और यहाँ पे अब जो क्वीन है वो आगे बढ़ रही है, इसने रेस स्पेल डाला है क्वीन 75 के, सीसी में से ट्रुप बाहर आ गए हैं, और यहाँ पे पॉइजन स्पेल डालेगा, कब डालेगा समझ नहीं आ रहा,
माइलर डालेगा कब ये? ओके तो यहाँ पे सीज बरस रख दिया है, साथ में किंग भी रख दिया है, और वो किंग लोग वगैरह सब लोग बाहर की तरफ का फनल करेंगे लेफ्ट साइड पे, और यहाँ पे इसने हॉक रख दिया, माइनर रख दिया, और वो हॉक माइनर राइट साइड तो जाएंगे नहीं क्योंकि राइट साइड पे क्वीन से हमने फनल करवाया है सीसी में। तो देखो भाई इसने जो गोबलिन रखे है, अच्छा माइला हद होती है भाई इतने गोबलिन, और यहाँ पे उसने पॉइजन स्पेल डाल लिया, सबके सब एक ही झटके में डाउन हो जाएंगे। ओके और यहाँ पे टाउन हॉल डाउन हो चुका है, लेफ्ट साइड भी जाएंगे नहीं क्योंकि लेफ्ट साइड पे तो किंग फनल कर रहा है और सीज बराक्षे की पिक का और विजर फनल कर रहा है। सो जो खेल होगा, मेन खेल होगा वो मिड में होगा, और यहाँ पे एंड में सीसी में वो हॉग लेके जा रहा है, तो आप भी हॉग लेके जाना लेना हो तो। ओके खास करके अगर आपके मैक्स हॉग नहीं है ना तो सीसी में हॉग ही लेना पड़ेगा, तो वरना नहीं चलेगा। तो यहाँ पे ये है पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो, अभी इसके पास कितने हॉग है, मतलब कि ज़्यादा ये 8 के आसपास है, और वो जो खुद ले गया हॉक, ओके वो अब वो तो मरी गए लग रहा है मेरे को, वो हॉक तो सब मरी गए। ये जो हॉक है ना, मुझे ऐसा लग रहा है सीसी के हॉक है, वो उसके हॉक मर गए। सो इन शॉर्ट ऐसे काम में आएगा अगर आप लोग हॉक लेके जाओगे। अभी तो उसकी क्वीन की एबिलिटी भी बाकी है। सो बेसिकली क्या करना है, ये अटैक में पॉज कर रहा हूँ, कोई एक पोर्शन होता है पूरा बेस होता है, ओके तो उसमें कोई एक समझ लो कि 30% वाला पोर्शन, 35% वाला पोर्शन आप लोगों को क्वीन वॉक से निकालना है। अब वो पर्टिकुलरली वो पोर्शन सिलेक्ट करना है, तो इसने जो पोर्शन सिलेक्ट किया वो कौन सा था, तो ये देखो ये 1, 2, 3 ये पोर्शन, ओके ये जो पोर्शन था उसने क्वीन वॉक से क्लियर किया। ओके इस तरफ का जो ये बाहर का जो पोर्शन है पूरा, ओके ये, ओके तो ये उसने सीज बराक्स और किंग से क्लियर किया। ओके यहाँ पे उसने बेबी ड्रैगन से फनल करवाया, 1-2 विजार उसने यहाँ पे रख दिए थे, और बाकी के उसने यहाँ पे रख दिए। ओके वार्डन समझ लो, ओके माइनर समझ लो, एंड हॉग्स समझ लो। ओके सो क्या हो गया, वो सब लोग यहाँ पे कोर में ही जाएंगे क्योंकि राइट साइड पे इस तरफ क्वीन चल रही है, उस तरफ बाहर किंग चल रहा है, तो बेसिक चीज है ये। ओके बेस जब भी आए आपके, ओके लेजेंड में या फिर लेजेंड रैंक में, हाई ट्रॉफी पे या फिर नॉर्मली गेम में, ओके तो बस वही देख रहा कि भाई आप कौन सी 30% लॉन्ग पोर्शन को क्वीन से कवर कर सकते हो। पूरे बेस में एक बार देख लेना, चारों तरफ से देख लेना कि इस तरफ से मैं इस तरफ का कवर कर सकता हूँ या फिर उस तरफ से मैं नीचे की तरफ का कवर कर सकता हूँ, उसके बाद फिर अटैक करना। ये मैं अटैक मेरे को बहुत पसंद है, बट मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे हॉग ना बहुत लो लेवल के, वरना माँ कसम मैं यूज़ कर लेता। ओके क्योंकि यहाँ पे देखो मैं इसकी ना, ओके सो इसमें देखो ये रही मेरी मेन आईडी, तो देखो यहाँ पे मेरे हॉक कितने, 7 लेवल के, मैंने छुआ तक नहीं हॉक को। ओके बाकी माइनस मैं के मैक्स है, सो बट मैं एटलीस्ट मैं यूज़ कर सकता हूँ जो सुपरविज की अटैक स्ट्रेटेजी है ना, वो सुपरविज तो मेरे एक ही लेवल लो है तो चलता है। खैर ये था गाइस पूरा आज का वीडियो, एंड आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई आपको कैसा लगे अटैक्स और पूरा समझ आ गया कि नहीं, एंड वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चलो पहली बार आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।